हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग जाएंगे हेयर कटिंग के लिए, मैं और अमन, और अपॉइंटमेंट भी बुक कर लिए हैं। जो थर्ड हॉस्टल के बगल में एक पैथरोज का है, उसके बगल में एक सैलून है, वहाँ पे हम लोग का अपॉइंटमेंट बुक हुआ है। तो अभी हम लोग जाएंगे बस से, और छुट्टी चल रही है तो सोच रहे हैं कि मन हुआ कि वहीं पर जाकर आज हेयर कटिंग कराएँगे, नहीं तो हॉस्टल में हम लोग खुद एक दूसरे को कर लेते थे, तो हम लोग खुद से हेयर कट कर लेते थे। आज से तो पहली बार सैलून जाएंगे हम लोग, तो चल के दिखाते हैं यहाँ का क्या प्राइस होता है, क्या कॉस्ट होता है हेयर का, हेयर कटिंग करने का। तो चलते हैं, बस स्टॉपेज पर भी आ गए हैं, यहाँ से बस स्टॉप देख सकते हैं आप लोग हमारे हॉस्टल के पास बाजू में ही। हम लोग की बस 26 देख सकते हैं आप लोग आ चुकी है, अब हम लोग इसी में जाएंगे। स्वेट्स का बस स्टैंड पे उतर चुके हैं, तो अब हम लोग जाएंगे वॉक करके थर्ड हॉस्टल, वहाँ पर बता चुके हैं ऑलरेडी, वहीं पर हम लोग अपॉइंटमेंट है। पेथरोचिया के पास में एक सैलून है, और भाई साहब इतना गर्मी है, 32 डिग्री सेल्सियस, समझ सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बस मैं आने में तो हालत ख़राब हो गया। अभी हम लोग जाएँगे वॉक करके। तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, और इस गर्मी में तो ज़्यादा हालत बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो जाता है। अभी गर्मी का बहुत ज़्यादा न, तो पिछले कुछ दिनों से बारिश भी हो रही थी, बट अभी बारिश होना भी बंद हो गया है। ठीक है, चलते हैं दिखाते हैं आपको सैलून। गाइस, हम लोग अंदर पहुंच चुके हैं हेयर सैलून के अंदर। ठीक है, तो अभी हम लोग हेयर कटाएँगे, फिर बताते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है सैलून का। रशिया में फर्स्ट टाइम है ना, तो बता, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मिलते हैं। सो गाइज, कुछ ऐसा हुआ सैलून के अंदर, जब हम लोग अंदर गए तो हम लोग अपना अपॉइंटमेंट बताया, और हम लोगों ने उनसे प्राइस पूछा तो कुछ और ही बताया जो एक्सपेक्ट करके गए थे, जो हम लोगों को बताया गया था दूसरे स्टूडेंट के थ्रू, तो उनके उस प्राइस से थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, मतलब 250 बताया गया था, तो बता रहे थे 450। तो हम लोग उस चीज़ को स्किप कर दिए, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक इवेंट ज्वाइन कर लिया जो आप आगे के वीडियो में देखेंगे। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो आज हम लोग आ गए हैं एक इवेंट में छोटा सा, जो आज रशियन हॉलीडे है, उसी में एक इवेंट है हम लोग के थर्ड फ्लोर पास के बगल में, जो हम लोग अभी आए थे इधर स्वेत्सकाया पे घूमने, तो देखे हम लोग, तो देखे कि छोटा सा इवेंट चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो आगे हम लोग भी घूमने दिखाते हैं आपको भी। इंडियन ड्रेस में लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। ये देख सकते हैं नमस्ते इंडिया, यहाँ स्पॉन्सर हो रहा है। देख सकते हैं ये हमारे इंडियन रेस्टोरेंट का स्पॉन्सर चल रहा है। नमस्ते
नमस्ते इंडिया का रेस्टोरेंट का जो है हमारे औरंगबर्ग में एक रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ आप जाके इंजॉय कर सकते हैं। उसी का अभी यहाँ पे स्पॉन्सर चल रहा है, जो आज रशियन हॉलीडे पे एक इवेंट है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे स्टूडेंट एंड जो किड्स हैं छोटे छोटे वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डांस, कोई म्यूज़िक, कोई और भी एक्टिविटीज़ जो भी है। सो अभी यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छा क्राउड है, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं ट्रेडिशनल पूरे ड्रेस में एकदम पूरे सज धज के यहाँ पे लोग आकर इस इवेंट को मजे ले रहे हैं। नमस्ते इंडिया के भरपूर स्पॉन्सर चल रही है भाई, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और इधर चल रही है म्यूजिक और यहाँ चल रही है मीडिया के लोग, कुछ लोग भाई लोग आए हैं, देख सकते हैं आप लोग। सो गाइस हम लोग फाइनली इवेंट से निकल चुके हैं और 10वीं दानिया बोल के निकल गए हैं हमारे नमस्ते इंडिया के स्पॉन्सर। और अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल, तब तक के लिए ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। 10वीं दानिया ब्लॉग देखते रहिए और साथ में हम जरूर जाएंगे। निकले थे हेयर कटिंग कराने बट ऐसा कटा नहीं, बट शैम्पू जरूर खरीदे। तब तक के लिए बाय बाय 10वीं दानिया, थैंक यू सो मच।